सर आपका नाम? सर मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं हरदोई जिले से बिलोंग करता हूँ। सर हमारे बहुत से साथी, सर मैं खुद एम ए बी एड बी टी सी प्लस टी टी हूँ जी, एम ए बी एड बी टी सी प्लस टी टी। अब क्या सरकार के सामने समस्या आ रही है कि आपके पास इतनी डिग्री होने के बावजूद भी सरकार आपकी बातें नहीं सुन रही है? जी सर, हमें ये लगता है और ऐसा हमें लग रहा है कि ये सरकार सर पूंजीपतियों की सरकार है और इसने मीडिया और ये पूंजीपतियों के द्वारा एक तरीके से अपना दुष्प्रचार करके लोगों को झूठा बोल करके जुमला बना के और एक सरकार बना ली है और ये जो है आम आदमी की बात नहीं सुनती है। सर इतनी योग्यताएं होने के बाद भी, 17 साल काम करने के बाद भी ये इसने पूरा मन बना लिया हमको बिल्कुल बाहर निकालने के लिए, हमें सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। सर ये गरीब आदमी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है, ये हर समय ये इस तरीके से नीतियाँ बनाती है ताकि हम बड़े लोगों को, अरबपतियों को, खरबपतियों को कैसे फ़ायदा पहुँचा सकें। सर मुझे इस सरकार, पहले इसने चुनाव लड़ा, सर बोला कि हम हर आदमी के खाते में 10 लाख 15 लाख जो गरीब हैं उनके खाते में भेजेंगे और एक पैसा अभी तक नहीं आया। उसके बाद में जब विधानसभा वाला चुनाव लड़ा तब कहा कि हम 30,000 रुपया हर गरीब के खाते में भेजें। सर गांव में हर आदमी का खाता खुलवा दिया, उसमें सर आज तक 1 रुपया नहीं। कहा जो गाय पालेगा उसको हम 1,000 रुपया महीना देंगे, सर 1 रुपया नहीं दिया। उसके पहले चुनाव लड़ा, कहा कि हम जो है हर आदमी का पैसा माफ़ करेंगे, हर किसान का, लेकिन फिर उसके बाद में कहा हम लगभग सीमांत किसान का माफ़ करें। सर 10 रुपया 37 पैसा उसमें दिया हुआ माफ़ किया है। सर कुछ नहीं है कर रहे हैं सर गरीब आदमी के लिए। अभी कहा कि हम आंगनबाड़ी का हमने 10,000 कर दिया, अभी तक सर 1 रुपया नहीं गया। और अम्बेसक का कहा हमने 17,000 कर दिया, सर अभी तक शासनादेश नहीं जारी हुआ। सर ये गरीबों को बिल्कुल एकदम बाहर, और सर संविदा से संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है और ये उसने एक शोषण का तरीका बना लिया है कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों हाँ काम लें और उनका शोषण करें। सर जब वार्ता हुई तो कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहुत ज़्यादा उल्लंघन करते हैं। सर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि कोई जिस पर गंभीर आरोप हैं, अपराध हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने उसके आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उसने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में पुलिस सुधार लागू करिए, उसके आदेशों को उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उसने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले नहीं आवंटित किए जाएंगे, उसके आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। फिर कहा कि हर मंत्री, हर विधायक का, हर जो है अधिकारी का, जज के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे तभी उसमें गुणवत्ता सुधरेगी, उन्होंने इनके आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और सर यहाँ पर इनको, क्योंकि जब हम 40,000 मिल रहा था तो उसमें 30,000 कटौती करके कह रहे हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। सर ये सरकार की पॉलिसी है, हम लोगों को बिल्कुल मिटा देने के मूड में है। तो इतनी भ्रष्ट और इतनी जो है वो इतनी संवेदनहीन सरकार मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी है।